हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और गाइस, आज का वीडियो आपसे बात करने वाला है टेक्स्ट बुक के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ टेक्स्ट बुक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो इंटरव्यू होता है उसका एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा मेरा और किस तरीके से कम्प्लीट प्रोसेस जो है काम करता है इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू। तो पहले ही मैंने बहुत सारे वीडियोज बना चुका हूँ, तो पहले ही मैंने आपको बता दिया था टेक्स्ट बुक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है क्या, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें क्या क्या होता है अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो, और किस तरह से कम्प्लीट प्रोसेस काम करता है अगर आप सिलेक्ट वहाँ पे हो जाते हैं तो। सबके रिलेटेड मैंने जो एक दो वीडियो मैंने आप सबको बना कर दिखा दिया था। मगर इस वीडियो में मैं आपसे जो डिस्कस करूँगा टेक्स्ट बुक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो इंटरव्यू होता है, जब भी सिलेक्शन आपका होता है तो इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके की कम्प्लीट प्रोसेस है इंटरव्यू में, सब कुछ जो है इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो मेरा जो टेक्स्ट बुक की टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो इंटरव्यू था वो कल था, यानी कि आज आपका 24 फरवरी, कल जो था 23 फरवरी को मेरा जो इंटरव्यू था। तो किस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस काम करते हैं थोड़ा सा उस वीडियो में हम जो है जान लेते हैं। अब पहले मैं बता दूं थोड़ा सा टेक्स्ट बुक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, अभी तक आपको जो है नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको। टेक्स्ट बुक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक स्टूडेंट को जो टेक्स्ट बुक में टेस्ट सीरीज देता है उनको जो है एज ए टीचर हायर किया जाता है। उसके लिए जो है 3 महीने का एक ट्रेनिंग पीरियड है, उसमें आपको ट्रेनिंग कराया जाता है। और जो जो स्टूडेंट ट्रेनिंग अच्छी तरीके से कर पाते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे टोटल, उनके 10% को जो है सिलेक्ट किया जाता है एज ए टेक्स्ट बुक के डायरेक्ट एडुकेटर। और उनको जो सैलरी प्रोवाइड किया जाता है वो होता है 4 लाख पर एनम। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे मेरे जो वीडियोस थे उसमें कमेंट किया था कि सर 4 लाख पर महीने है, नहीं 4 लाख पर महीने सैलरी नहीं है, आपको जो सैलरी मिलता है वो मिलता है 4 लाख पर साल, करीबन जो है 30,000 के करीब आपको जो है सैलरी मिल जाता है। तो उसमें रोल रहता है, आप लाइव 1-on-1 पढ़ा भी सकते हैं, एक तो रहता है लाइव एडुकेटर का जो कि आप देखते हैं वीडियोस वगैरह में जो पढ़ाते हैं एडुकेटर, उस एडुकेटर का एक रिक्रूटमेंट होता है। उसके साथ साथ कुछ इस तरीके का होता है कि आपको टेस्ट सीरीज डिज़ाइन करना पड़ता है, टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है, आंसर की एक्सप्लेनेशन ठीक से करना पड़ता है। ये होगा आंसर तो आपको पता है मगर आंसर को आप किस तरीके से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं एज ए रिटन फॉर्मेट, वो सब में भी आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है। सैलरी आपको मिलता है 4 लाख पर एनम अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। उसके साथ साथ अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो उस केस में आपको जो है और नेक्स्ट 25% जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको जो है अलग से ट्रेनिंग किया जाता है इंटर्नशिप प्रोग्राम की तरह, और उन इंटर्नशिप प्रोग्राम से भी स्टूडेंट को जो है चूज़ किया जाता है नेक्स्ट में एज ए एडुकेटर। जो जो इंटर्नशिप करते हैं तब जो इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप होता है उनको जो है पैसा दिया जाता है इंटर्नशिप करने के लिए। तो पैसा करीबन से 10 से 12 हज़ार रुपया उन्हें जो है पर महीने तक मिल जाता है। यह है बेसिकली टेक्स्ट बुक के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक ओवरव्यू। और सिलेक्शन होता है बेसिकली आपके जो टेस्ट सीरीज आप देते हैं उनमें आपका कितना स्कोर रहता है उसके बेसिस में आपका जो सिलेक्शन होता है। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है टेक्स्ट बुक का, इस तरीके से जो है टेक्स्ट बुक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम काम करता है। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो पहले अगर आप जब भी अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन का प्रोसेस मैंने दिखा दिया है, अगर आप चाहें तो वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके वो मेरे वीडियो दे दूंगा, आप जो है देख सकते हैं। जब भी आप वो फॉर्म फिलअप करते हैं उसके बाद आपको एक सिलेक्शन कर लेते हैं उनके तरफ से, उनके एंड से। उसके बाद जो जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनको जो उनके तरफ टेक्स्ट बुक की तरफ से आपको जो मिलेगा एक गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म में आपका जो एडुकेशन डिटेल्स, आप कहाँ पे पढ़ा है, कुछ क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस है, सब जो आपको शेयर करना पड़ता है। उस शेयर के सिलेक्शन के बेसिस के ऊपर नेक्स्ट प्रोसेस काम करता है। जब आप जो इस गूगल फॉर्म में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका आता है इंटरव्यू। तो कल मेरा इंटरव्यू था 23 फरवरी को, तो मुझे क्या हुआ सुबह एक कॉल आया टेक्स्ट बुक के एक कोऑर्डिनेटर से कि मेरा जो इंटरव्यू होने वाला है आज शाम को 6 बजे से 8 बजे के अंदर, मैं उस टाइम पे फ्री हूँ या नहीं। तो जब भी मैंने बताया फ्री हूँ तब जो है उन्होंने बताया ओके मुझे जो है कॉल आने वाला है शाम को 6 बजे से 8 बजे तक के अंदर मेरा इंटरव्यू होने वाला है। तो मुझे जो कॉल आया था करीबन शाम को 6:30 बजे के अंदर, और उसके बाद मुझे जो है पूछा गया जो जो चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे मेरा एक इंट्रोडक्शन पूछा गया, और इंटरव्यू जो हिंदी में था, कोई भी इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं होने वाला है। अगर आप हिंदी नहीं आता है आपको तो आप बताएंगे तो आपका इंटरव्यू इंग्लिश में हो सकता है, मगर मेरे केस में जो इंटरव्यू जो है मेरा हिंदी में हुआ था। तो सबसे पहले मेरा जो एक इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला गया था तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया उनको। उसके बाद उन्होंने उनकी तरफ से बताया गया कि मैं क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस है, मैं टीचिंग करना मैं पहले कभी पढ़ाया हूँ क्या नहीं, या मेरा कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है क्या नहीं है। तो मैंने बताया, उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं टेक्स्ट बुक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंटरेस्टेड क्यों हूँ, मुझे जो है क्यों ये प्रोग्राम करना चाहिए मुझे लग रहा है। और उसके बाद ये जब मैंने ये चीज़ बताया उनको तो उनके तरफ से जो है मुझे इस प्रोग्राम को फुल जो है एक्सप्लेन किया गया कि प्रोग्राम क्या है, किस तरीके से काम करता है, कितना जो यहाँ पे स्टूडेंट को जो है रिक्रूट किया जाएगा,
और कितने इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट होगा, सब कुछ जो है मुझे सिखाया गया, सब कुछ जो मुझे बेसिकली बताया गया इंटरेक्शन के द्वारा। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फ्रेंडली था जो मुझे जो है कॉल किया था। उसके बाद मुझे पूछा गया कि मार्च के 15 तारीख से शुरू होने वाला है, उस टाइम पे मैं फ्री हूँ कि नहीं हूँ 3 महीने के लिए। तो मैंने बताया कि मैं जो हूँ उस टाइम के लिए बिल्कुल फ्री हूँ। उसके बाद उनकी तरफ से बताया कि अगर मैं फ्री हूँ तो क्या मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊँगा 3 महीने के लिए। तो मैंने बताया हाँ कंटिन्यू कर पाऊँगा। उसके बाद मुझे जो पूछा गया कि मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैंने बताया मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। और अक्सर मैं बता दूँ, जिनका जो ग्रेजुएशन नहीं हुआ है मगर फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपका जो यहाँ पे नॉलेज मैटर करता है। तो मुझे भी बताया गया कि शायद मेरा ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, मगर अगर मेरे पास नॉलेज है, अगर मैं सीखने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, देन मैं जो है कंटिन्यू कर पाऊँगा। उसके बाद मुझे बताया गया जो 10,000 रुपया पेमेंट स्ट्रक्चर है उसके बारे में, कि मुझे जो 10,000 रुपया देना पड़ेगा ट्रेनिंग शुरू होने से पहले, और एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग मुझे जो है पैसा रिफंड मिलेगा। मुझे मेरा सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है वो सब चीज़ें नहीं देखा जाएगा, अगर नहीं भी होता तो भी मुझे जो है 10,000 रुपये में रिटर्न कर दिया जाएगा। उसके बाद मुझे पूछा गया 2-3 टेक्निकल क्वेश्चन, जिस सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं सब्जेक्ट की क्वेश्चन, कि आपको सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता है क्या नहीं है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया, मैंने उनका आंसर दिया, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने जो थोड़ा सा काउंटर क्वेश्चन भी किया कि मैं जो आंसर दिया क्यों दिया, क्या क्यों जो मुझे चीज़ ठीक लग रहा है, तो वो सब चीज़ के बारे में जो है काउंटर क्वेश्चन भी किया गया 2-3। उसके बाद मुझे पूछा गया कि मेरे तरफ से कोई क्वेश्चन है क्या नहीं, उनके लिए कोई भी डाउट है इस प्रोग्राम के रिलेटेड या नहीं। तो मैंने बताया कि मेरा जो है क्या क्या क्वेश्चन था, या कुछ कुछ जो है मेरा जो डाउट्स थे मैंने जो है उनसे से पूछा। तो बेसिकली मैं जो ये पूछ रहा था कि मुझे जितने जब ट्रेनिंग पीरियड होगा 3 महीने का, वहाँ कंप्लीटली मुझे जो 8 घंटा ट्रेनिंग करना है क्या नहीं करना है। तो उनके तरफ से बताया गया कि कुछ कुछ टाइम जो लाइव क्लास होंगे तो मुझे अटेंड करना पड़ेगा, जहाँ पे टेस्ट सीरीज के एनालिसिस सिखाया जाएगा वो चीज़ मुझे जो है लाइव सीखना है। अदरवाइज जो जो मुझे असाइनमेंट्स वगैरह दिया जाएगा वो मैं चाहे तो रात को भी कर सकता हूँ, जो डेडलाइन होगा डेडलाइन के अंदर मुझे जो है सबमिट करना है। तो 8 घंटे का काम मेरा हो सके तो मैं 7 घंटे में भी 6 घंटे में भी कर सकता हूँ, मगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें कोई भी जो नहीं है कि आपको 9 बजे बैठना है, 2 बजे तक बैठ के रहना है, उसके बाद आप खाना खा सकते 1 घंटे के लिए, उसके बाद फिर से बैठना, वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है। तो यही मेरा जो जानना था उनसे मैंने जान लिया। उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से मुझे एक्सप्लेन कर दिया कंप्लीट प्रोसेस के बारे में, और इंटरव्यू मेरा जो है वहीं पे ख़त्म हो गया है। तो रिज़ल्ट अभी आने वाला है, जब भी रिज़ल्ट आएगा मैं आपको जो अपडेट कर दूंगा उसके बारे में। प्रोसेस काफ़ी इजी है, काफ़ी फ्रेंडली तरीके से बात करता है, और इंटरव्यू जो हिंदी में ही होगा। अगर आपके पास अगर आप जो हिंदी में अच्छे हैं तो हिंदी में दीजिएगा, अगर आपको हिंदी नहीं आता तो वो जो है आपका इंटरव्यू इंग्लिश में ले सकता है। यही बेसिकली मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है textbook.com के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो अप्लाई कर सकते हैं, ऑलरेडी वीडियो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से अप्लाई करना पड़ता है, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। वैसे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे फिर मिलते हैं मुझे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो आपसे फिर मिलते हैं मुझे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.